कानपुर देहात में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। कानपुर देहात, अकबरपुर लोकसभा व कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशियों को जीतने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कन्नौज लोकसभा से गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। कन्नौज लोकसभा से बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चुनाव रोमांचक हुआ है। रसूलाबाद विधानसभा की जमीन को मजबूत करने के लिए आर्यनगर के समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने क्षेत्र में पहुंचकर जनता से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की। रसूलाबाद विधानसभा कन्नौज लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा माना जाता रहा है। पूरा मामला रसूलाबाद विधानसभा का है। विधानसभा का जो मैथा ब्लॉक का क्षेत्र है उससे काफ़ी गांवों का उन्होंने भ्रमण किया। इस समय हम लोग काशीपुर में खड़े हैं। इसके पहले हम लोग देवान गए हैं, ओनारा गए हैं, बड़े गांव गए हैं, करोम गए हैं, मवैया गए हैं, सोनीपुरवा गए हैं, कई गांव हम लोग घूमे हैं। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की अनीतियाँ रही हैं, जो इन्होंने किसानों को उत्पीड़न किया है, जो नौजवानों के साथ इन्होंने रोजगार का कुठाराघात किया है, जो महंगाई है, इसका असर लोगों को जो दिख रहा है। अब तो चर्चा कोविड वाली वैक्सीन की भी हो रही है। लोगों को चिंता में है, लोग ये वैक्सीन लगवा कहीं नुकसान होने तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातों को लिए लोगों के अंदर आक्रोश है और एक चुनाव में बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट बह रहा है। और हम लोगों को जो अनुमान लगता है कि चुनाव ये एक तरफा होने जा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा तो खास तौर पे कई लाख वोटों के अंतर जीती जाएगी, लेकिन ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चुनाव में एक अंडर करंट जनता के अंदर दिखाई पड़ रहा है। कन्नौज लोकसभा का सबसे बड़ा विधानसभा रसूलाबाद मानी जाती है और उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र कन्नौज लोकसभा में आता है। ऐसे में जो सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो भी कई बार बयानबाजी की है। ऐसे में वर्तमान जो सिंह अरुण है मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से अगर खेत दावेदारी करते हैं तो 2 लाख से अधिक मतों से हम पराजित करके भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी दावेदारी की जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, सोई बयानबाजी में एकदम नम्रता आ जाती है। ये क्या सकता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये सब उनके चेले रहे हैं जो ये आज बोल बहुत रहे हैं, सब उनके चेले रहे हैं। किसी ने उनके अंडर में नौकरी करी, उनकी कृपा से विदेश घूमा है, किसी ने उनकी कृपा से पैसा कमाया है, उसी कृपा से नाम कमाया है। सब अखिलेश यादव की कृपा से पनपे हुए लोग हैं, उनके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बड़ा नेता आ जाता है तो छोटे मोटे अपने आप गायब हो जाते हैं। अब बतौलेबाजी करनी है तो कोई कर ले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।